ठीक है, तो देखो हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, लेट एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी इज अ फंक्शन, देन एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिक ऑन एन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, ये दो पॉइंट्स के लिए डिफाइन है फंक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा है, तो ये ए पॉइंट है उसका, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए से बीच के बीच में ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, या ये डिक्रीज भी हो सकता है। अगर ये मान लीजिए आप बी से ए की तरफ जा रहे हो, तो इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, या बी के जगह पे ए भी हो सकता है और ये बी हो सकता है। तो वही बोलता है कि ये ओपन इंटरवल में ऐसा फंक्शन जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन है, फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी, एक्स वन लेस देन एक्स टू, तो एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन ऑफ ऑफ एक्स टू, और एक्स वन एक्स टू का वैल्यू जो है बिलोंग्स टू ए कॉमा बी होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच का ही वैल्यू होगा। और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जस्ट उसका उल्टा लिखना है, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू होगा, लेकिन इसमें जो फंक्शन होगा एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू होगा। ठीक है, और ये दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, बिलोंग्स टू ए कॉमा बी होगा। ओके फंक्शन हो रहा है ओके यार, डिक्रीज ओके, हो रहा है मतलब। आफ्टर सॉल्विंग यू विल कम टू नो दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ फंक्शन मे नॉट बी मोनोटोनिक ऑन द होल डोमेन इफ इट कैन बी ऑन डिफरेंट इंटरवल, अगर डिफरेंट इंटरवल्स होगा तो उसमें ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है, एफ ऑफ आर इक्वल टू आर डी वाई डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये आपका क्लोज इंटरवल का साइन होता है। तो एक्स वन लेस देन एक्स टू है, तो एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, तो यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू, ये आपका एक्स वन का वैल्यू है, ये एक्स टू का वैल्यू है, तो एक्स वन का वैल्यू जीरो डालेंगे तो एफ ऑफ जीरो इज जीरो, और एफ ऑफ इन्फिनिटी आएगा। तो देख सकते हैं ना कि इसमें इसका वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इज लार्जर देन जीरो, तो एफ इज अ मोनोटोनिक फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, इट इज ओनली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, तो इसी को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो सिंपल याद रखो कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होगा जो क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल में डिफाइन होगा, और ये सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करेगा, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आपका इवन फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ फॉर इच एक्स डोमेन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन बोलते हैं, अगर एक्स का वैल्यू आप नेगेटिव भी डाल दोगे ना तो उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स डाला तो एफ एक्स आया ना। तो फॉर एग्जाम्पल इच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, देखो इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू अगर आप नेगेटिव डालोगे माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। ठीक है, और वन का स्क्वायर भी वन होता है, तो इसको इवन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, आप नेगेटिव वैल्यू भी एक्स का डालोगे तो आउटपुट आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, लाइक दैट कोस एक्स जो है आपका इवन फंक्शन है, तो कोस ऑफ एक्स इक्वल टू कोस ऑफ माइनस एक्स करोगे तो कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो आपका कॉस एक्स वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, उसके इक्वल आता है। ठीक है, नाउ थर्ड एग्जांपल इज मोड का फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये भी इवन फंक्शन देता है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। राइट, देखो ये इसका आउटपुट जो होता है पॉजिटिव आई है ना, ये पॉजिटिव आई है, ये आपका पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स वैल्यू भी डालोगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आई आता है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कॉमा वाई दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स प्लस वाई होता है ना, तो इनपुट आप माइनस एक्स डाल रहे हो लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आई आ रहा है ना, तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप नेगेटिव वैल्यू डालो या पॉजिटिव वैल्यू डालो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो अ फंक्शन इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो ये माइनस एफ एक्स आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है,
इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर एक्स का वैल्यू अगर आप माइनस एक्स डालोगे तो एक्स का पावर थ्री करते हैं तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा ना। इट इज लाइक देखो माइनस वन का पावर थ्री है तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन होगा, ठीक है। तो ये दो मिलकर तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, प्लस वन होगा, लेकिन फिर से ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन आंसर आएगा ना, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट नेगेटिव, ठीक है। देखो अभी साइन एक्स जो होता है वो नेगेटिव फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो ये माइनस एफ एक्स देता है, तो ये आपका ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। और इवन फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए डिफाइन था ना, ये आपका इवन के लिए होता है और ये ऑड के लिए। तो ऑड फंक्शन होगा तो फर्स्ट और थर्ड में आएगा, और इवन फंक्शन होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड में आएगा। बोल नेक्स्ट फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ग्राफ में देख सकते हो, अगर बताया था ना आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसका वैल्यू जो होता है लेस देन और इक्वल टू होता है, राइट। अगर एक्स का वैल्यू 0.2 है तो इसका वैल्यू 0.2 आएगा, राइट, 0 आएगा ना, 0.2 से कम आता है ना। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1.2 है तो इससे लेस क्या होता है, माइनस 2 होता है ना वैल्यू, ठीक है। माइनस 2 इज लेसर देन माइनस 1.2, राइट, दैट्स व्हाई इट इज माइनस 2। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव वैल्यू में अगर 0 के 0 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रहेगा तो उसका वैल्यू ये आएगा ना, 0 से 2 के बीच में 1 आएगा जी, ठीक है। फिर देखो 0 से 3 के बीच में रहेगा तो उससे लेस वैल्यू आएगा ना, इसलिए वो लेफ्ट साइड में एरो डाला ना, इधर जा गया, ठीक है। तो ये देखो 3 से 4 के बीच में रहेगा तो 3 आएगा आंसर, और 2 से 3 के बीच में रहेगा तो 2 आएगा, और 0 से 1 के बीच में रहेगा तो 1 आएगा, और 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगा तो 0 आएगा, ठीक है। अगर समझो कि 0.89 है तो आंसर क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, 0 आएगा। अगर 2.9 के बीच में समझो कि 2.5 है तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सुन रहा है, बोलिए। तो यहाँ पे देखो, रुक जाओ बताता हूँ, एग्जाम्पल दिया। देखो अगर x का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो आंसर 1 आएगा ना, मतलब 2 कभी हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डाला ना तो 2 नहीं होगा, तो लेस देन 1 होगा। देखो x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 से छोटा आएगा, मतलब इक्वल टू 2 हो सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं होगा। तो x का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 होगा, ठीक है, वो तो पूरा प्रॉपर वैल्यू है ना इसलिए। और x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 कभी नहीं होगा। अगर माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 2 डालेंगे तो माइनस 2 होगा। अगर फ्रैक्शन में आप डालोगे, देखो x का वैल्यू आप 1.2 डालोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1.98 डालो तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 2.49 डालता हूँ तो इसका वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। वैल्यू जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इनपुट फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, और जो आउटपुट है आपका एक प्रॉपर वैल्यू होगा। अगर मैं नेगेटिव में डालता हूँ -1.98 तो इससे छोटा नंबर क्या है, -2 है ना, और यही इसको अगर मैं पॉजिटिव में दूं 1.98 तो इसका आंसर +1 आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आपको समझ आया, हमेशा लेस देन होगा नंबर, तो ये आप लिख लो फिर मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 4x - 2 है, ठीक है। तो ये x का पावर 2 है ना यहाँ पे मैक्सिमम, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे देखो x का पावर 3 है मैक्सिमम, तो ये आपका क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 3 है तो इसको भी पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में x का पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखो रैशनल फंक्शन, ये तो आप पढ़े होंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स बाई एच एक्स, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला फंक्शन है एच एक्स, ये शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये इक्वल जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जी एस एंड एच एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, सुनना है क्या? जैसे हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं ना पी बाई क्यू, तो क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया पी इज योर जी एक्स हियर एंड क्यू इज एच एक्स हियर, तो एच एक्स फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सुनना है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ना, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स प्लस वन, तो एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए, ठीक है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये इक्वल टू माइनस वन नहीं होना चाहिए, ये माइनस वन हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा ना नीचे का पार्ट, अच्छा तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए एक्स का वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू माइनस वन पे ये डिफाइंड फंक्शन नहीं है। तो उसी तरह से अगर जनरल लिखते हैं तो एच एक्स का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सुनना है ना, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द टाइप वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें कुछ नहीं बस वन अपॉन एक्स लिखना है, ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल फंक्शन बोलेंगे, और एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अ स्विस मैथमेटिशियन, ये उनका नाम है यूलर, इंट्रोड्यूस अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, तो ई रहेगा तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल लाइक दैट, ठीक है। तो इट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, ये नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो उसको हम लोग ये वैल्यू मिलता है आपका ई, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर से डिनोट करते हैं इसको हम लोग ई से, तो इसका वैल्यू जीरो से थ्री के बीच में आता, मतलब 2.23 होता है ई का वैल्यू, तो ये ट्रांसेंडेंशियल इरेशनल नंबर है, ठीक है, लिख लो, ठीक है। देखो एक इनफाइनाइट सीरीज आपका दिया हुआ है, वन प्लस एक्स बाई वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल, ठीक है। इट कैन बी शोन दैट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आल्सो टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट, इट इज डिनोटेड बाई ई रेस टू एक्स, ठीक है। पहले हम लोग ई के लिए फंक्शन पढ़े ना, वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस टू वन अपॉन टू फैक्टोरियल लाइक, अगर ई का पावर एक्स हो जाएगा तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में एक्स ऐड हो जाएगा, वन प्लस एक्स बाई वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल थ्योरम है, और इसको हम लोग इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू वन डालोगे तो आपका ये वाला मिल जाता है ना ई का एक्सपेंशन, अगर ई रेस टू एक्स लिखोगे तो ई आपका ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन फॉर्म है, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इज ऑब्टेंड बाई द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फंक्शन, देखो यहाँ पे अगर एज एक्स इंक्रीजेज वाई वैल्यू आर इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, वेयर एज एक्स डिक्रीजेज वाई वैल्यू आर गेटिंग क्लोजर टू द जीरो, अगर एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, अगर एक्स का वैल्यू डिक्रीज करोगे तो वाई का जो आउटपुट आएगा वो नियरर टू जीरो होगा, ठीक है। ई रेस टू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपका कंडीशन है, तो बस ये आप एक्सपेंशन फॉर्म लिख लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो आपका फंक्शन जो है वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट इधर से, तो आप देखो एक्स का वैल्यू जीरो वन टू थ्री पुट करो, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जीरो पुट किया तो ये वन होगा, ठीक है ना, कोई भी नंबर उसका पावर जीरो होता है तो वन होता है ना। तो हम लोग ऐसे अगर ग्राफ में ड्रॉ करूं तो
ये आपका x का वैल्यू, ये y का, x का वैल्यू 0 डाला तो 1 आया, राइट। अगर x का वैल्यू मैं 1 डालूंगा तो y का वैल्यू e आएगा, तो e का वैल्यू 2.23 होता है ना, 2 डालूंगा तो ये 2.23 का पावर इंक्रीज होगा, मतलब 5 आएगा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, तो x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आया था 1, तो ये पॉइंट मिला, राइट। सर तो हर जगह पे जहाँ पे हम x का वैल्यू लेंगे वहां पे जरूरी नहीं है कि y का वैल्यू 1 ही हो। 1 का बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए बोल रहा हूँ ना, x का वैल्यू 0 डालोगे तो 1 आएगा ना, ये तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। x का वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो ये आपका 2.23 है ना, ये सेकंड पॉइंट आएगा ना, 1 पे 2 आएगा, मतलब ये पॉइंट मिलेगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, 2 पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा। तो देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, तो मैं इसका वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, ये आपका जो बॉक्स में दिया हुआ है, मैं अपना वैल्यू ले रहा हूँ ना। देखो 0 पे 1 आया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 पे 2 आया, फिर 2 पे 5 आया, तो देखो ये ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। और ये आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये टेंस टू 0 की तरफ जाएगा ऐसे, तो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप x का वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो ये देखो टच हो रहा है ना नीचे, और इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो वही बोल रहा था, अगर x का वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 डालोगे तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 डालोगे तो टेंस टू 0 आएगा, समझ में आया क्या? ठीक है, ये लिख लो।